जिसका डर था आखिर वो बात हो ही गई। आपको बता दें कि जगता बाबू के पार्टी कार्यालय में वापसी और उसके बाद उनके फैसले को लेकर के अब पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर भी भारी बगावत हो गई है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने इस पूरे फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पे जगतानंद के फैसले को नकार दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये बातें चल रही थी और हमने खबरों के माध्यम से आपको दिखाया था कि किस तरह से जगता बाबू की एंट्री होती है, वो पार्टी कार्यालय में आते हैं, उससे ठीक पहले उनकी मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से, पार्टी कार्यालय आते हैं, वहाँ पत्रकारों से उनके बात होती है, उसके बाद कार्यालय में जाते हैं और कार्यालय में जाने के बाद सबसे पहला जो गाज गिरता है वो छात्र राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश यादव, उन पर गिरता है और उनके जगह नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। इसके बाद आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया और एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ से अब इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी थी। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी से इस पूरे वाकये पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आई थी और जीतन राम मांझी के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पूरे मामले पर अपना विचार रखते हुए साफ तौर पर कहा था कि तेज प्रताप के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके, उनकी लोकप्रियता को देखकर तेजस्वी यादव गेम प्लान रच रहे हैं और उसी गेम प्लान का हिस्सा हैं जगता बाबू। अब इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के इस बयान और लिखित बयान, कहा जाए तो उन्होंने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर लिखा है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर भी बड़ी बगावत की बू अब सामने नज़र आने लगी है। आपको बता दें कि उन्होंने जो लिखा है उसके अनुसार सीधी तौर पे वे पार्टी के संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं जगतानंद सिंह का ये फैसला, और इस फैसले को लेकर के अब आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तत्काल जो प्रतिक्रिया आई है तेज प्रताप यादव की, उन्होंने लिखा है कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ने भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से बगावत है और तेज प्रताप यादव ने इस बागी तेवर से अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं और अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के बाद, इस बयान के बाद अब पार्टी के अंदर जो चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आ जाएंगी। अभी मात्र 23 मिनट पहले उनका ये बयान आया है, ये उनके फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट आया है, उस पोस्ट के बाद अब हजारों हजार की संख्या में लोग अपनी बातें रख रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि आकाश यादव ने भी अपनी बातें रखी हैं। आकाश यादव की बातों को भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इतना आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के इस एक्शन के बाद इतना तो लग रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और परिवार के अंदर भी दो खेमे कम से कम तो जरूर नज़र आ रहे हैं। विद्रोह के बिगुल फूंक दिया है तेज प्रताप यादव ने। देखना होगा कि क्या वो अब भी अर्जुन की को कृष्ण की भूमिका में रहकर हस्तिनापुर की गद्दी दिलवाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।